नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ हाल ही में कानून बना था। इस कानून के तहत मामले दर्ज भी होने लगे हैं। प्रदेश के बड़वानी में नए कानून के तहत एक युवक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। युवक का नाम बदलकर एक युवती से संबंध बनाने और उस पर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप है। दरअसल नए कानून के तहत बड़वानी में दर्ज हुआ यह पहला मामला है। जानकारी के मुताबिक बड़वानी कोतवाली में एक युवती ने पुलिस को शिकायत दी है कि एक युवक लंबे समय से शादी का झांसा देकर उसका शोषण कर रहा था। युवक से उसकी पहचान करीब 4 साल पहले कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जहां वो डीजे बजाने के लिए आया था। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। युवती के मुताबिक आरोपी युवक ने उसे अपना नाम सनी बताया था। वहीं अपनी शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि युवक ने उसके साथ संबंध बनाए और लगातार शादी का दबाव बनाता रहा। जब उसे ये पता चला कि युवक का नाम सोहेल मंसूरी है, तो उसने युवक से दूरी बनाना शुरू कर दी और इस बात से सोहेल नाराज रहने लगा था। इसी बात को लेकर युवती का आरोपी सनी उर्फ सोहेल से विवाद हुआ, तो उसने पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया। एक 22 वर्षीय युवती है जो बड़वानी की रहने वाली है। इसने एक लिखित में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई है। जो युवती ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसके तथ्यों के आधार पर एक युवक के खिलाफ जो है बलात्कार और धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामला वास्तव में पलसूद घटनास्थल मुख्यतः जो है पलसूद का है, तो अभी जीरो पे अपराध पंजीबद्ध किया है और इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए पलसूद पुलिस को भेजा जा रहा है। सर, धार्मिक अध्यादेश का पहला मामला बड़वानी थाने का? हाँ, बड़वानी थाने का ये पहला मामला। आपको बता दें कि हाल ही में एक नोटिफिकेशन के साथ ही अध्यादेश कानून के तौर पर प्रदेश में लागू हुआ था। इसके मुताबिक अब जबरन, भयपूर्वक, डरा धमका कर, प्रलोभन देकर, बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करवा कर शादी करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था की शिकायत मिलते ही तत्काल अध्यादेश में किए गए प्रावधानों के मुताबिक संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।